हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। साइंस एंड टेक रिपोर्ट के अगले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ गया हो कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो आज हम लोग बात करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। आप लोगों ने कॉम्पैक्ट डिस्क तो देखा ही होगा, जैसा मैं आप लोगों को अभी दिखा दे रहा हूँ। तो ये रहा वो कॉम्पैक्ट डिस्क, ये एक्चुअली एक डीवीडी है, डीवीडी, और ये है आपको सीडी। इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों का कलर में, इसका थोड़ा डार्क ब्लू है, इसका थोड़ा लाइट ब्लू। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। तो ये जो होता है वो डीवीडी, इसका जो डिस्क कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4.7 जीबी का होता है ये। और ये जो सीडी होता है ये लगभग होता है 700 एमबी का। तो इसका तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटी क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन हम लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिर ये कैसे बना होता है और ये कैसे काम होता है, इसमें डाटा आखिर राइट कैसे होता है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ अपने चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, बात करते हैं इस डिस्क के बारे में। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि पहले बहुत सारे डिस्क आते थे जिसमें कि आप रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। तो ये भी वही उसी तरह का डिस्क है जिसमें आप कोई भी डाटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्या चीज़ का बना होता है, ये बना होता है एक पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का। पॉलीकार्बोनेट मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट मत समझिएगा, पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक ही होता है। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना होता है ये, और इसके ऊपर जो होता है, ये जो आप चमकता हुआ देख रहे हैं यहाँ पर, ये होता है लेयर, और ये लेयर्स बने होते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के, और भी बहुत सारे इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यूज किए जाते हैं। तो ये जो डिस्क है, आपको जो पॉलीकार्बोनेट लेयर है जो वो तो सबसे नीचे में है, ठीक है। फिर इसको जो है लगभग 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर है आपको प्रोटेक्टिव लेयर, फिर है उसके नीचे आपको रिफ्लेक्टिव, फिर होता है डाइइलेक्ट्रिक, फिर होता है रिकॉर्डिंग लेयर, फिर आता है डाइइलेक्ट्रिक लेयर, फिर आता है इसमें आपको वो पॉलीकार्बोनेट लेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है 5 लेयर में डिवाइडेड। रिकॉर्डिंग लेयर जो होता है इसमें, ये जो होता है रिकॉर्डिंग लेयर जो आप इसमें बीच में देख रहे होंगे, वो आपको दो डाइइलेक्ट्रिक लेयर के बीच में होता है। ये जो दो डाइइलेक्ट्रिक लेयर होते हैं रिकॉर्डिंग लेयर के दोनों साइड, तो वो क्या करते हैं, वो हीट को निकालने में मदद करते हैं वो डाइइलेक्ट्रिक लेयर। और इसके ऊपर जो देखिए सबसे, और इसके ऊपर होता है रिफ्लेक्टिव लेयर, जो कि लेज़र लाइट का जो बीम होता है उसको रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। जो इसका सबसे खास बात होता है वो होता है इसका रिकॉर्डिंग लेयर। एक्चुअली रिकॉर्डिंग लेयर जो होता है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बना होता है। अगर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं पता है तो आपको मैं इसके लिए अलग वीडियोज़ बना दूंगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, इस पर जब लगभग 700 डिग्री टेम्परेचर तक जब इस पर वो लेज़र का लाइट पड़ता है, तो वो इसको हीट करता है, और फिर हीट होने के तुरंत बाद जब इसको सॉलिड को ठंडा किया जाता है, तो फिर ये एमोर्फस सॉलिड बन जाता है। मतलब कि अगर आपको समझना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, तो मैं आपको इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप अभी समझ लीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका ज्योमेट्रिकल शेप जो डेफिनेट होता है, और एमोर्फस सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसका कोई भी मतलब जो है उसका शेप वो डेफिनेट नहीं होता है। मतलब कि एक ज्योमेट्रिकल शेप ये क्रिस्टलाइन सॉलिड लिए रहता है, और एमोर्फस सॉलिड का कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। तो ये जो आपको 700 डिग्री टेम्परेचर जब इस पर दिया जाता है, तो ये कन्वर्ट कर देता है इसको एक एमोर्फस सॉलिड में, मतलब कि इसका शेप को वो बिगाड़ देता है, ठीक है। और बिगाड़ देने के बाद क्या होता है, जब इस पर लेज़र लाइट पड़ता है, तो ये जो है
कभी कभी रिफ्लेक्ट करता है और कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो जिसके कारण इसमें डाटा स्टोर होता है। क्योंकि जब भी कोई सिग्नल जाता है, आपको पता है कि सारा सिग्नल जो भी स्टोर होगा इसमें, तो वो डिजिटल फॉर्म में होगा। और डिजिटल फॉर्म में क्या मतलब कि वन और जीरो के फॉर्म में होगा। तो मतलब एक बार ऊपर गया आपका सिग्नल, ठीक है, तो वन हुआ, फिर अगर वो सिग्नल नीचे आया तो जीरो हुआ। तो लेज़र लाइट जब पड़ रहा है आपको, तो वो एक बार रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक बार कभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस कारण से आपका इसमें डाटा रिकॉर्ड होता है 10 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया। और जानते हैं ये जो रीड राइट प्रोसेस होता है, ये लगभग 3 टाइप्स में होता है। एक सबसे पहला एक होता है रीड वाला पावर, फिर एक होता है आपको राइटिंग वाला पावर, फिर होता है एक इरेजेबल पावर। ये 3 तरह का पावर इसमें यूज़ किया जाता है, इसमें रीड राइट और इरेज करने के लिए डाटा को। तो आप लोगों को शायद ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसमें आखिर क्या चीज़ होता है और इसमें कैसे सारा फंक्शन, सारा डाटा इसमें रीड होता है, राइट होता है। तो ये सब सारा खेल जो है वो लेज़र का है। लेज़र के पावर पे डिपेंड करता है कि लेज़र का पावर अगर ज़्यादा है तो मतलब वो राइट कर रहा है उस पर। मतलब आप देखे होंगे जब भी आप सीडी राइट करते होंगे तो ये कितना ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जब लेज़र का पावर हाई रहता है लगभग 700 डिग्री टेम्परेचर तक, तब वो राइट कर रहा होता है। और जब टेम्परेचर 200 से 500 के बीच में होता है तो वो रीड कर रहा होता है, या आपको कोई डाटा को इरेज करना होता है तब आप उस टेम्परेचर को यूज़ करते हैं जब। तो ये रहा आपका सारा प्रोसेस सीडी एक कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। डीवीडी का आपको बता ही दिया कि मैं डीवीडी का जो होता है वो स्टोरेज ज़्यादा होता है बस। तो शायद ये वीडियो बड़ा हो गया है, और अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा हो तो सॉरी, लेकिन अगर आप साइंस को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं अपने लाइफ में तो शायद आपको ये अच्छा लगा हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय से पहले अभी इसका ब्रेक टेस्ट बाकी है, तो अभी हम लोग इसको भी तोड़ के देखेंगे कि आखिर इसके अंदर जो ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है आखिर ये कैसा रहता है। तो अभी हम लोग आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये रहा हम लोगों का कॉम्पैक्ट डिस्क, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। ये थोड़ा ज़्यादा चमकीला है, ये थोड़ा कम चमकीला है, ये थोड़ा डार्क ब्लू ज़्यादा है देखिए। और इसमें वो एक चीज़ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा यहाँ पे कलर का डिफरेंस है, मतलब कि डाटा जो आपका राइट हुआ है यहाँ तक ही राइट हुआ है इसमें, और इतना जो है वो स्पेस खाली रह गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको ब्रेक करके फिर इसमें होता क्या। ओह माय गॉड, मेरा हाथ बच गया, शिट, कुछ हुआ नहीं, बहुत कड़ा था वैसे ये। ओह माय गॉड, मेरे को कुछ हो भी सकता था, इसमें कट सकता था, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है। देखते हैं इसको हटा के ये लेयर को, ये हट नहीं रहा है सही से। ये जो है ये पॉलीकार्बोनेट का जो ये बना हुआ है, इसी में ये डाटा शो होता है। बहुत पतला है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये जो है इसमें आपको पता नहीं चलेगा, वैसे लेयर नहीं पता चलेगा, लेकिन यही है इसका पीछे का प्लास्टिक है। तो इसको भी ब्रेक करके देख ही लेते हैं। ओह माय गॉड, डर लग रहा है इसको तोड़ने में। टूट नहीं रहा है, बहुत मजबूत है एक्चुअली। मेरे को तोड़ने में उसको डर लग रहा है, क्योंकि ये टूटा है तो मुझे डर हो गया है। तो फिर मिलते हम लोग अगले वीडियो में, एक्चुअली ऐसा ही होगा ये भी। तो फिर मिलते हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। शायद ये वीडियो बड़ा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।